सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर श्री बलिदान बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड सप्तश्लोके दुर्गः शिवोवाच देवी त्वं भद्रदुर्गे सर्वकार्यविधायिनि कलभीकार्यसिद्ध्य समुपायं रोहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वे च साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यं वा सुधीः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विजयतांसि देवी भगवती बलदा कृष्णमोहाय महामाया प्रियच्छति दुर्गे स्मिता हर्षेतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मिता मतिमतेव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखमयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतलीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते बहिर्भ्यस्राहिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते अरोगा न शेषा न महंसि दुष्टा भ्रष्टा दुकामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव व्याकायं अस्मदेविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। दुर्गाष्टोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्ववाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति। ॐ प्रति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचने माया दुर्गा जयाचार्य त्रिनेत्राशूलधारिणी पिणाकधारिणे चत्रा चण्डभण्डा महात्मा मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तरूपाचिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भवनि भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिणि अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलापति पट्टाम्बरपरिधान कलमञ्जीरञ्जनि अमेय विक्रमा क्रूर सुन्दरे सुरसुन्दरि वनदुर्गा च मातङ्गे मदङ्ग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा
चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोद्दर्शनी ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हरिणी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटमहद्वी च चण्डमुण्ड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रधारिणी कुमारी चैव कन्या च केशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता वरप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूतीकराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायणी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यायिदम् प्रभते नित्यम् दुर्गा नाम शताशिखम् नासाध्यम् विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् जायम् हयम् हस्तिनमेव च चतुर्भगम् तथा चान्ये लभेन्मोतिम् दशाश्वती कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजयस्मर्या भक्त्या पठे नाम शताशिखम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरेरपि राजानो दासतां गाङ्गे राज्याशयमवाप्नुयात् घोरोचनालङ्कमङ्गमेण सिन्धूरकर्पूरमधुत्रेण विलेख्ययन्त्रम् निधिना विधिज्ञा भवे सदा धार्यते मुरारिः ओमावास्या निशामग्रे चन्द्रे सुरभिषां गते विलख्य प्रवठे स्तोत्रम् सर्वे प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मैं विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मैं विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण ही इस समय वैदिक मंत्र द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य घोर के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपके उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते हैं उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए
धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन कुल कर्म करते हुए इस मां जगजन ने मां जगदम्बे की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर की विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्य कवच ओम अस्य चंडे कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अंजना सोत्रमातरो बीजौ धनबन्ध देवता सत्त्वं श्रीजगदम्बापीतर्थे सप्तशते पाठत्वेन विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच असि गृहतां विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासोकवचं पुण्यं दशनश महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्ड्येति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमात्येति षष्ठं कात्यायणेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाश्रमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानसो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भियातः शरणं गतः। न तेषां जायते किञ्चित् शुभव्रणसङ्कणे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यस्तु भक्त्या विदानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेषु रक्षसेता न संशयः। वेदसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासुना हेन्द्रीग्रसमारूढा वैष्णवी गरुडासुना माहेश्वरी विशारूढा कौमारेषु निवाहना लक्ष्मीः पद्मासुना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगा समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नामशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधः समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेडकं दबलं चैव परशुं पाशमेव च वन्तायुधं त्रिशूलं च चारङ्गमायुधमत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम भयाय च धारयन्तायुधानीतं देवानां च हिताय मे नमस्ते सोमहारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि प्राहि मां देव दुष्पेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राचां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयमग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रदीचां वारुणि रक्षे वायभ्यां मृगवाहिणि उदीचां दातु कौमारि एषाणां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे तथस्ता वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डाशवाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः हरिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदणि रक्षे तु मामूर्ध्वे व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे च शश्विनि त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनि कपालौ कालिका रक्षे कर्णमूले दुशाङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च नासिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च्यूकं रक्षे वाचो मे सर्वमङ्गला
ग्रीवायां भद्रकाली च त्रिशवांशे धनुधरी नीलग्रीवामहे कंधे नलिकान्दलकोबरी स्कन्धयो खड्गणे रक्ष्य बाहो मे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डणे रक्ष्य अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशूलेश्वरी रक्ष्य कक्षो रक्ष्य कुलेश्वरी सनो रक्ष्य महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभचकामणि रक्ष्य गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूर्णाकामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिणी कट्यं भगवती रक्ष्य जानुनि विन्ध्यवासिनि जङ्घे महाबला रक्ष्य सर्वकामप्रदायिणी गुल्फयोर्णारसिंहे च पादपृष्ठे दुतेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष्य पादाधस्तलवासिनि नखान्द्रष्टाकराले च केशाञ्चैवर्ध्वकेशिणि रोमकोपेषु कोपेरे तुजं वागेश्वरे तथा रक्तमज्जामसामासान्यस्ति मेदांसि पार्वती मन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं जापमणेश्वरी पद्मावते पद्मकोशे कभे चूडामणे तथा ज्वालामुखे नखज्ज्वालामभेद्या सर्वसन्दिश शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष्य छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेण मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानम् च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष्य प्राणम् कल्याणशोभना हरसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिणि सत्त्वम् रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतो वाराहे धर्मम् रक्षतो वैष्णवे यशः कीर्तिम् च लक्ष्मीम् च धनम् विद्याम् च चक्रिणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष्य पशुर्मे रक्ष्य चण्डिके पुत्रा रक्ष्य महालक्ष्मे भार्याम् रक्षतु भैरवी पन्थानाम् सुमता रक्ष्य मार्गम् क्षेमकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीणाम् दुयस्थानाम् वर्जिताम् कवचेन तु तत्सर्वम् रक्ष्य मे देवे जयम् दीपाभिनाशिनि पदमेकम् न गच्छेतो जनेच्छे शुमात्मनः कवचेनामृतो नित्यम् यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यव्यम् चिन्तयते कामम् तन्तम् प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे अबलम् प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोके दुर्भेद्भोजः कवचेनामृतः पुमान् इदम् तु देव्यः कवचम् देवानामपि दुर्लभम् यः प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यम् श्रद्धयान्वितः देवी कला भवे तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवे द्वशतम् साग्रम् नभमित्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्गमम् चैव कृत्रिमम् चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोचराभेचराश्रैव जलयाशोपदेशिकाः सजा कुलजा माला डाकिणी शाकिणी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिण्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दक्षिणा तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो न देह वैराग्यस्य वृद्धिकरम् परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जवे सप्तशतेन्द्रियम् कृत्वा तु कवचम् पुरा यावद्भूमण्डलम् धत्ते सशेलवनकारणम् तावत्तिष्ठति मेदिन्याम् सन्तते पौत्रपौत्रके देहान्ते परमम् स्थानम् यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोते पुरुषो नित्यम् महामायाप्रसादतः लभते परमम् रूपम् शिवेन सह मोदते अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच
ओम जयंती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिणे दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमोस्तुते मधुकैडवभिद्रावे विधात्रे वरदे नमः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुखदे नमः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि शुम्भस्यैवणि शुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दणि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि वन्दिताङ्गे देवि सर्वसौभाग्यदायिणि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि अत्यन्तरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि सुबद्धो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि चण्डिके सततं ज्ञात्वाम् अर्चयन्देह भक्तिदः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि विधेहि दुष्टानाशं विधेहि बलमुच्चके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम् अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि सुरासुरशिरो रत्ननिर्दिष्टचरण्यम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनाकरो अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि प्रचण्डदैत्यदैवणे चण्डिके प्रणताय मे अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि कृष्णेन संसुते देवे शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि हिमाचलसुधानाथ संसुते परमेश्वरि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि इन्द्राणि परसद्भाव पूजिते परमेश्वरि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि देवि प्रचण्डतो दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि देवि भक्तगणो दाम दत्तानन्दोदयम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि त्रिशो जहि पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणि कारणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भव इदं स्तोत्रं वडे त्वातो महास्तोत्रं वडे नरः साधु सप्तशते सङ्घा वरमाप्नोति सम्पदा ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलमन्त्रस्य शिवऋषिः अर्णश्रं छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मारकण्डे उवाच ॐ विश्वज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रियः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेधद्वियानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सौविक्षेमो आत्मोऽपि सततम् जापतत्रः सिद्ध्यन्तु चारणादेन वस्तूनि सकलानवि एतेन स्वपदाम् देवि स्वोदमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्राणौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणवि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाहुरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायासु तच्च गुप्तं जगारसः स
समाप्तिर्न च पुण्यस्य तं यथा वर्णयन्त्रणाम् स्वविक्षेमो आप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वाचक्रोधश्चाष्टम्यावा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्नभीषा प्रसीदति इत्थरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीला विधायेण नित्यं जवति संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैव वृतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नाम वृत्तो वशं याते मृता मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्धकोभितर्णाको वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादि अर्जुन्यक्षते ललनार्जुने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् षडे सूर्यप्यमाणे स्वयं स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि तदारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् वित्तसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सारकिम् जनेः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दमुने श्रीवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विश्वविलासिनि जिष्णुते भगवतिः शतिकण्ठगुडुम्बिनि भोरिगुडुम्बिनि भोरिकृते जय जय हि महिषासुरमर्दने Yeah.
ललिते जय जय हि महिषासुर क्षमा प्रार्थना है और क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरण शोमया दासोऽयमिति मावत्वः क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् भोजनं चैव जानामि Yeah.
परिपूर्ण तदस्तु मे अपराध क्षतं जगदम्बे चोचरे यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सापराधोऽस्मि शरणं भ्रातस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकं व्योहं यथेच्छसि तथा गुरु अज्ञानाधिष्ठिते भन्त्या यन्नोऽहमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहाणा च मिमाभेत्यः प्रसीद भले माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय सेवा निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इसमें जगजन्य आदि शक्ति का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निजी रूप से माँ भगवती के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं, इस माँ जगजन्य जगत माता के उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की जो भी मनोवलक्षित कामना होती है माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की बस समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, उनकी समस्त विघ्न बाधा दूर होती है, उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुगद होती है, उनके सभी कष्ट सभी दुख वह दूर होते हैं और सब ओर से वह भक्तजन परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपने जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ का ध्यान जो है ये अवश्य करना चाहिए। माँ का स्मरण किसी भी परिस्थिति में आप भगवती का स्मरण करते हैं, यकीन मानिए जे भगवती अवश्य जो है उन भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं, सब वर्ष भक्तों की रक्षा करती हैं और
उनकी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर करके सब ओर से उन भक्तों का मंगल ही मंगल करती हैं। इस धर्म में आपका दृष्टांत दे रहा हूं, तैलंग स्वामी जो हैं ये बड़े ही उच्च कोटि के संत हुए हैं और इनके कहते हैं कि जी इस धरती पर 280 वर्षों तक जो है रहे थे और इनके दर्शन जो है काशी में रामकृष्ण परमहंस ने किए थे और उन्होंने कहा है जिनके दर्शन कर करके इन्हें देख करके ऐसा लगता था कि इनके शरीर में भगवान विष्णुनाथ जो है साक्षात निवास करते हैं। ऐसे जो तपस्वी संत हुए हैं इनका बाल्यकाल का नाम जो था शिवराम था और इस प्रकार ऐसी साधना कर करके इनका नाम जो था तैलंग स्वामी हुआ। ऐसे संत जो है बाल्यकाल में इनका जन्म जो था दक्षिण भारत में हुआ था। बाल्यकाल में जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहां पाठशाला में जाते हैं तो वहां पर जो है इनका ध्यान जो है जब बच्चे खेलते थे तो खेल कूद में नहीं लगता था, विश्राम का समय होता है तो यही कहीं एकांत में बैठ जाते हैं, कहीं शिवालय में बैठ जाते हैं, एक तक भगवान शिव की ओर देखते हैं, कहीं खुले आकाश में बैठते हैं तो आकाश की ओर देखते हैं। इस प्रकार से इस बालक का रंग ढंग देख करके माता पिता विचार करने लगे कहीं ये हमारा पुत्र जो है साधु न बन जाए संत न बन जाए। ऐसा विचार करके जैसे बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिता ने उसका विवाह करने का विचार कर दिया। इसका विवाह कर देते हैं जो ग्रस्त में आ जाएगा कहीं आसन हो जाए ये संत बन जाए। जब पुत्र को पता चला कि माता पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं तो पुत्र ने शिवराम ने माँ के पास जाकर कहा कि माँ मैं विवाह करना नहीं चाहता, मैं संत बनूंगा, मैं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करूंगा, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है आत्म तत्व को जानूंगा, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे ग्रस्त में नहीं जाना है, मुझे संत बनना है। जब पुत्र ने मां से इस प्रकार से कहा तब मां ने कहा बेटा तुझे पता नहीं मैंने कितनी मन्नतें की, कितने संतों की सेवा की, प्रार्थना की, फिर जाकर के मुझे ये संतान सुख प्राप्त हुआ। आप कह रहे हैं विवाह नहीं करूंगा संत बनूंगा, ठीक है तेरी इच्छा तो संत बनना है, ठीक है तो संत बनना, तो आत्म साक्षात्कार करना, आत्मा कह परमात्मा कह जी जानना, भगवान का साक्षात्कार करना, परंतु जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे पास रहना, मेरे मरने के उपरांत जो है तो संत बन जाना, परंतु जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे पास ही रहना। मां मैं तुझे वचन देता हूं मैं तेरे पास ही रहूंगा, तब तक मैं तेरे पास ही रहूंगा। मां कहने लगी बेटा मेरी एक इच्छा है तू संत बनेगा, बड़े बड़े संतों के साथ तेरा संग होगा, परंतु संतों से एक मेरा प्रश्न पूछना कि संत दर्शन और संत सेवा का फल क्या होता है, संत दर्शन और संत सेवा का फल क्या होता है इसे अवश्य जानना, मेरा ये प्रश्न है इसको जरूर जानना। मां ठीक है मैं तुझे वचन देता हूं और मैं पूछूंगा संतों से, जानूंगा कि संत सेवा और संत दर्शन क्या होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम देवालय में जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं प्रणाम करते हैं सेवा करते हैं, मां के दरबार में आते हैं दूर से भगवती के नाम का गुणगान करते हुए आप देखते सारे रास्ते भक्त जन जो हैं जो आ रहे हैं
उनकी जिब्बा पर भी एक ही नाम है, जय माता दी। और जो माँ के दर्शन कर करके लौट रहे हैं, जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वह उनकी भी जिब्बा पर एक ही नाम है, जय माता दी। तो नाम कीर्तन करते, नाम जप करते हुए इस प्रकार से माँ के दरबार में आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये आशीर्वाद, ये दर्शन जो है, सेवा जो है, अद्भुत फल होता है, जिससे पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य की मनोवलक्षित कामना पूर्ण होती है। मनुष्य जो परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है, जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं। कहते हैं, मैं शिवराम माँ की सेवा करता रहा, कालांत के समय का प्रांत जो है, माँ का देहांत हुआ, उसका क्रियाकर्म करने का प्रांत जो है, वह बालक जो था उसने घर का परित्याग कर दिया। अब वह दक्षिण भारत से चला और चलता चलता वह ही काशी में जा पहुंचा। तब जो साधन नहीं होते थे, पैदल ही चलना पड़ता था। इस प्रकार से भगवान की साधना करता हुआ चलते चलते काशी पहुंचा। वहां पर भगवान विश्वनाथ की साधना करता रहा, अनेक संतों के दर्शन हुए, माँ का वचन उसे याद था। जो भी संत मिलते उनसे पूछते, महाराज संत दर्शन और संत सेवा का क्या फल होता है, सब कुछ न कुछ बतला करके जो है वह चले जाते हैं, परंतु महाराज जी को संतुष्टि नहीं हुई, प्रश्न का उत्तर ठीक से मिला नहीं, संतुष्ट नहीं हुए। कोई तुझे कहता एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्याद तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध, कहकर चल पड़ते। परंतु उन्हें संतुष्टि हुई नहीं, अनेक संतों से मिले और ठीक से प्रश्न का उत्तर मिला नहीं। ऐसे चलते चलते बहुत समय बीता। एक दिन एक संत मिले, उससे जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, देखो इसका मुझे पता नहीं, मैं आपको नहीं बतला सकता, परंतु इतना जरूर बतला सकता हूं आपको, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं। कहते हैं, जब इस प्रकार से हृदय में तड़प हो, जानने की जिज्ञासा हो, कुछ प्राप्त करने की, तो व्यक्ति वह परिश्रम करता है, परिश्रम करता है और परिश्रम का फल जो है जब मिलता है, बड़ा आनंद आता है उस फल का। उस संत महाराज ने कहा, देखो बंगाल में नर्मदा तट के किनारे एक महा शमशान है और वहां पर एक रघुनाथ भट्टाचार्य जी स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं। वह बड़े कुशाग्र बुद्धि हैं। वो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं और वहां पर जो है स्मृति ग्रंथ का वह लेखन कर रहे हैं। आप वहां पर चले जाइए, कहां काशी और कहां बंगाल, जानने की इच्छा थी। और जो उसने कहा ठीक है, काशी से चल पड़े। चलते चलते बंगाल आ पहुंचे और उनकी खोज करते करते उस महा शमशान पर जा पहुंचे, जमरा रघुनाथ भट्टाचार्य जी स्मृति ग्रंथ लिख रहे थे। जाकर उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने उसे बैठाया, आसन दिया, कहा बतलाइए किस कारण से आगमन हुआ। तो उसने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं संत दर्शन और संत सेवा का क्या फल होता है। तो उन्होंने कहा, देखो ये तो मैं आपको बतला नहीं सकता, यह सनातन धर्म के सत्य की महिमा है। सनातन धर्मी जो होते हैं कभी झूठ नहीं बोलते, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, नहीं जानते हैं। तो एक रघुनाथ भट्टाचार्य कहने लगे, जो तो मैं आपको बतला नहीं सकता, इसका मुझे पता नहीं, परंतु इसका ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हो सकता है जी मैं अवश्य बतला सकता हूं आपको। तो उन्होंने कहा, हमारे बतलाइए। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, क्या मां भगवती के शरणागत होकर के भगवती आदि शक्ति को प्रसन्न करो। इस नर्मदा के किनारे जो है 9 दिन का अनुष्ठान करो, मंत्र बतलाता हूं। मंत्र बतलाए, इस मंत्र के द्वारा दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करो 9 दिन, नवचंडी, मां की साधना करो, उपवास करो, व्रत करो,
माँ को प्रसन्न करो और अनुष्ठान करते हुए आपको जो है एक महापुरुष और भैरवी के दर्शन होंगे, वही आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। उसने कहा ठीक है, उन्हें प्रणाम किया। वही नर्मद तट के किनारे जो है वह अनुष्ठान करने लगे, माँ भगवती की आराधना करने लगे। दुर्गा सरस्वती के द्वारा जो मंत्र दिया था उस मंत्र के द्वारा संपूर्ण पाठ करने लगे, बड़ी श्रद्धा युक्त होकर के। भूख थी, प्यास थी, तड़प थी जानने की, और इस प्रकार से साधना करते पांचवा दिन आया, तो पांचवे दिन महापुरुष और भैरवी के साक्षात दर्शन। बोलो सच दरबार हरि की जय। महापुरुष कौन थे? भगवान शिव, भैरवी माँ जगदम्बा। जी स्वरूप ना करके वहां पर आए और जो है उसे दर्शन हुए, तब उन्होंने कहा क्या चाहते हो? ऐसी साधना होनी चाहिए, ऐसा तप होना चाहिए कि जिससे भगवान स्वयं आकर के पूछे कि बेटा तू चाहता क्या है, क्योंकि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। और भक्ति जो है, क्योंकि सारा संसार जो है, सारा जगत जो है देवा अधीन है, और देव जो है ये भक्त के अधीन है। भक्ति भक्त में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को उस परमपिता परमात्मा का धरातल पर ले आता है और उसे आना ही पड़ता है। ऐसी अद्भुत शक्ति होती है, परंतु भक्ति यदि सच्ची है, सच्चे हृदय से जब आप उस परमपिता परमात्मा को भगवती का स्मरण करोगे, उसका ध्यान करोगे, उसकी साधना करोगे, तो निश्चय रूप से उसकी कृपा होगी, उसका साक्षात्कार होगा। सामने आकर के पूछते हैं ये क्या चाहते हो, तो उसने कहा महाराज मेरा ये प्रश्न है, संत सेवर संत दर्शन का क्या फल होता है? तब जो उस महापुरुष ने कहा देखो इस विषय में तो हम नहीं जानते, परंतु आपको उपाय बतलाते हैं। महापुरुष ने भैरवी से कहा भैरवी तेरे थैले में तीन गोलियां हैं, ये तीनों गोलियां जो हैं इन्हें दे दो। और उससे कहा देखो इस नगर का जो राजा है उसके घर कोई संतान नहीं है, और वह इतने प्रजनन कर चुका है और वैसे उसके घर में संतान है नहीं, हार चुका है इस समय। ये तीन गोलियां ले जाओ और रानी को खिलाने से उनके घर में संतान होगी, पुत्र होगा, और उनके घर जो पुत्र होगा वही आपके इस प्रश्न का उत्तर देगा। अब भैरवी ने वह तीन गोलियां जो थी वह महाराज को दी, उन्होंने स्वीकार किया और वह दोनों महापुरुष और भैरवी वहां से उसे आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अनुष्ठान पूरा किया, नौ दिन जो है साधना की, आंधी तूफान बारिश में वह वहां पर डटा रहा मां को प्रसन्न करने के लिए। अनुष्ठान संपूर्ण किया, पांचवे दिन जो है उसे दर्शन हो गए, कार्य सिद्ध हुआ, परंतु अनुष्ठान पूरा किया जैसा महाराज ने बतलाया था। इसलिए जो कई बार किसी को बतलाया जाता है महाराज ये तो हम करते हैं, कोई महापुरुष मिले, कोई संत मिले, कोई बात बतलाए कि इसके द्वारा साधना करो जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, तो कई बार व्यक्ति सोचते हैं इस मंत्र का मैं तो जप करता हूं पहले ही। देखिए कब जो देव कृपा होती है उसके मुख से शब्द निकले हुए हैं, ये तो उसका आशीर्वाद होता है, बात कहने की होती है, ग्रहण करने की और उसका पालन करने की। जब उसका आदर करते हैं आप जो हैं, तो निश्चय रूप से जो है मनुष्य का कल्याण होता है और उसे परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अनुष्ठान संपूर्ण हुआ, वहां से चला। अब नौ दिन से भूखा था, एक बनी के दुकान पर पहुंचा, वहां पर भोजन प्राप्त किया। उसमें वहां सामने ही एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे विश्राम करने लगा। सायंकाल हो चुका था, विश्राम कर रहा था, इतने घसियारा जो है घास काटने वाला घास का बंडल सिर पर उठाए हुए वहां पर आ पहुंचा। आकर घास का बंडल जो था वह एक और रखा और कहने लगा आज रात्रि यहीं विश्राम करूंगा और प्रातःकाल जो है बाजार में नगर में जाऊंगा और घास बेचूंगा।
संत ने कहा कि आओ और मेरी थोड़ी चंद सेवा कर दो। थके हुए थे संत महाराज जी, उस घसियारी ने संत महाराज जी को प्रणाम किया, उसके पास उसके चरणों के पास बैठ गए और बैठ करके उनकी चंद सेवा करने लगे। चरणों की सेवा की, ऐसे चलते चलते आधी रात होगी, सेवा करते करते आधी रात के उपरांत जो है घसियारा भी सो गया। संत महाराज जी भी रात को सो गए, जब सेवा कर रहे थे, इतने दिनों के थके हुए थे और जो है सो गए, और घसियारा भी आधी रात को जो है बेहोश हो गया। प्रातःकाल संत महाराज जगे और देखा घसियारा की मृत्यु हो चुकी थी, वह मर चुका था। संत महाराज ने देखा कि इस बेचारे ने मेरी सेवा की है, अब इसके अंतिम संस्कार तक तो यहीं पर रहना चाहिए, अंतिम संस्कार को रह करके जाऊंगा। उसका अंतिम संस्कार हुआ, उसके उपरांत जो है स्नान करके वह संत महाराज जी नगर की ओर प्रस्थान किया। जाकर के जो है आप राज दरबार में पहुंचे, बात संदेश भेजा कि राजा के घर के संतान नहीं है, मेरे पास एक अचूक औषधि है, देविक औषधि, जिसका सेवन करने से रानी के संतान होगी। राजा को संदेश भेजा और राजा ने कहा मैं अनेक उपचार करवा चुका हूं, अनेक औषधि जो रानी को दे चुका हूं, मेरे भाग्य में ऐसा है ही नहीं, संतान सुख है ही नहीं, इसलिए मैं कोई उपचार नहीं करना चाहता। तब जब मंत्री से उस संत महाराज ने कहा देखो जी, बड़ा परिश्रम कर करके जी है, बहुत परिश्रम किया मैंने, फिर जाकर यह देविक औषधि मुझे मिली है, और जब तक ये राजा के संतान नहीं होगे तब तक मैं जहां से जाऊंगा भी नहीं, जही महल के आसपास रहूंगा, जही रहूंगा। तब जो है राय ने कहा चलो जब इतना किए हैं तो जीवी कर लेते हैं, स्वीकार किया। राजा आए और वह औषधि जो थी, जो भैरवी ने उसे दी थी, वह तीनों गोली जो है महाराज जी को उन्होंने दी और कहा महाराज मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो उसने कहा कि महाराज जब संतान होगी, आपके घर पुत्र होगा, उस तो स्नान करा करके आपको मेरे पास लाना होगा, मुझे उस बात करनी है, मुझे उससे कुछ पूछना है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्न के उत्तर मैंने उस बालक से लेने हैं। राजना कहा अद्भुत बात है कि बालक होगा और पैदा होते स्नान करा करके इसके पास लाऊंगा, मैं बात करेगा इसके साथ। अब तक ऐसी बात कभी सुनी नहीं कि बालक पैदा होते ही वह बात करता है, मैं बोल नहीं पाता। तो उसने कहा ठीक है, औषधि ग्रहण की रानी को दी, मां की कृपा होगी, राजा को संतान सुख की प्राप्ति हुई, पुत्र हुआ, संतान सुख प्राप्त हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब राजमहल में नगर में खुशी खुशी है, प्रजाजन जो इतने खुश हुए हमारे राजा के घर जो संतान हुई है, राजकुमार हुआ है, सभी बड़े प्रसन्न हैं, आनंद आनंद है सब, और जो है मां की कृपा हुई और जो है संत महाराज को पता चला और देखो ना जे देवी औषधि जो है महापुरुष और मां भैरवी का जो आशीर्वाद मिला है ये फलीभूत हुआ है, उनकी कृपा हुई है और जो है जो फल उसका हुआ है। तब जो है राजा ने उसे स्नान करवाया बालकों, जैसा संत ने कहा कि जो उसने कहा था वो सत्य हुआ, स्नान कराया। स्नान कराने के उपरांत जो है वह बालक जो था पद्मासन लगा करके ध्यान मुद्रा में बैठ गया, ध्यान मुद्रा में बैठ गया और ओम का नाद करने लगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम का उच्चारण, दरबार में सभी जो है राजा रानी आश्चर्यचकित हुए, ये कैसा बालक है जो पैदा होते इस प्रकार से जो है ओम का नाद करते है, और अद्भुत बालक है, ये संत का आशीर्वाद हमें मिला है। बालक को लेकर के जो है अब संत महाराज जी के पास पहुंचे, एक कक्ष में दोनों बैठे हैं, संत और बालक, बाकी सब बाहर। तब जो है बालक जो है संत महाराज की ओर देख करके मुस्कुराए। तब जो संत ने पूछा मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, मुझे उनके उत्तर चाहिए। बालक कहना बोलो।
उसने कहा संत सेवा और संत दर्शन का क्या फल होता है। बालक कहने लगा, महाराज मैं एक घसियारा था घास काटने वाला, मुझे आपके दर्शन हुए, आपकी चरण सेवा मिली, उसका फल आपके सामने, मैं राजकुमार हो गया हूं और आपको पूर्व जन्म की बातें बतला रहा हूं, आगे क्या क्या होगा इसका फल जो है वे तो वो ही जाने, परंतु अब तक जो है कि घसियारा जो है घास काटने वाला आपके दर्शन से आपकी चरण सेवा से जो है मैं राजकुमार हो गया, राजा के घर में जन्म हुआ है, उसके आगे इसका क्या फल होगा ये तो वही भगवती ही जाने। बोले सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से जिस जो सत्कर्म करते हैं सत्संग में बैठे हैं, जहां पर माँ के दरबार में बैठे हैं, भले कहीं भी आपका ध्यान है, परंतु जिस सत्संग जहां पर जिस स्थान जो पवित्र स्थान है बैठने से मनुष्य का कल्याण होता है, जो श्रद्धा युत होकर के एकाग्रचित होकर उसका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उसका कैसा फल होता होगा। तो व्यक्ति जो भी सत्कर्म करते हैं वो उसका अवश्य फल होता है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, अच्छे कर्म का फल जो है अच्छा होता है सुख होता है और बुरे कर्म का फल जो है दुख होता है। इसलिए मनुष्य को जो है कल्याण, क्योंकि जी मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। दुर्लभ मानसो देह हो तत्रैव क्षण भंगुर, एक तो बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख जोनी भोगने के उपरांत जो है जो मनुष्य देह प्राप्ति होती है, और फिर जो क्षण भंगुर कब समाप्त हो जाए इसका पता नहीं, और ये शरीर ये एक साधना है साधना के लिए, इसके द्वारा साधक जो साधना कर करके अपना कल्याण करते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपना कल्याण चाहते हैं जीवन रहते हुए। भक्त सोचते हैं इस संसार में आकर ऐसे मोह में पड़ जाता है, अभी नहीं बाद में करेंगे, परंतु समय बीत जाता पता नहीं चलता, काल जो है सिर पे बैठा हुए है, कब गर्दन दबा लेगा पता नहीं चलेगा, आपको बोलने नहीं देगा, आप परिवार को बतला नहीं पाएंगे कि मैं जा रहा हूं, जब मेरे साथ क्या हो रहे हैं, काल जो है काल बोलने देते ही नहीं। इसलिए हर क्षण पर जो है काल जो हमारे सिर पर बैठा हुआ है, इसलिए जिसका जन्म उसका मन निश्चित है तो समय रहते हुए जो है अपना जीवन रहते हुए सत्कर्म कर करके इसी जीवन में अपना कल्याण कर लें, वह तभी संभव है। जब हम माँ के शरणागत होकर के भगवती साधना करते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करते हैं, इसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप माँ के दरबार में आए, माँ के चरण में बैठे हैं, जो आरती का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ ऐसी परम पवित्र वेला में आरती के समय, क्योंकि इस समय समस्त देवी देवता भी 33 करोड़ देवी देवता जो है माँ की आरती में अपने रूप बदल करके उपस्थित होते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, ऐसी परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके भक्तों को ये साधना करने का, माँ की आराधना करने का, भगवती की पूजा करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है, इससे बड़ी कृपा माँ की ओर क्या हो सकती है, कि क्योंकि जिनका कल्याण करना चाहती, जिनका मंगल करना चाहती है, उन्हीं को अपने दरबार में बुलाती है, इसके बुलावे के बिना कोई यहाँ पर आ नहीं सकता, बिना बुलावे कोई आ नहीं सकता, इसकी कृपा बिना यहाँ पर बैठ नहीं सकता। इसलिए जब भी सौभाग्य प्राप्त हो तो माँ का धन्यवाद करते माँ से यही प्रार्थना करना, भगवती इसी तरह से हमें हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों के अविचल भक्ति प्रदान करना, हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए आपके चरणों की भक्ति करते हुए हम कल्याण को प्राप्त हो सकें, ऐसी हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना, ऐसे हमें वरदान देना। हे माँ आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से बार बार नमस्कार। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूं श्री विजय कुमार जी से, माँ के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्तों संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार। जयकारा शेरा वाली दा मूल सच्चे दरबार की जय। ओ रंग चढ़ के जीना ते माई तेरी, ओना दे रंग होर हो गए, रंग चढ़ के जीना ते माई तेरी, ओना दे रंग होर हो गए, रंग चढ़ के, ओ रंग चढ़ के जीना ते माई तेरी, ओना दे रंग होर हो गए, रंग चढ़ के जीना ते माई तेरी, ओना दे रंग होर हो गए, जिथे लाए तेरी रहमत ने फेरे, जिथे लाए तेरी
करके दिल्ली चले गए हैं। काल की आवाज माँ के दरबार तक पहुंचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भक्त कर दे। मन हो के जीना ध्यान तेरा लाल आ, एक मन हो के जीना ध्यान तेरा लाल आ, उन्होंने खजाने तू जहान सारा पालिया, उन्होंने खजाने तू जहान सारा पालिया, वो किते दूर तक दीरा दे हनेरे, किते दूर तक दीरा दे हनेरे, किते दूर तक दीरा दे हनेरे, ओना दे रंग हो रो गए रंग चढ़ गए मां रंग चढ़ गए ओ रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग हो रो गए रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग हो रो गए जिथे लाए तेरी रहमत फेरे, जिथे लाए तेरी रहमत रंग चढ़ गए ओ रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग होर हो गए रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग होर हो गए जीना ने परोसा दाती ओ जीना ने परोसिया दाती ले आ तेरे द्वार दा, जीना ने परोसा दाती ले आ तेरे द्वार दा, हाथ उना सिरा ते तू रखे आ मा प्यार दा, है उना सिरा यो ते रखे आ तू प्यार दा, कटे जीना दे तू, कटे जीना दे तू गावां वाले केड़े, कटे जीना दे तू गावां वाले मेरे, ओना दे रंग रंग चढ़ गए ओ रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग होर हो गए रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग होर हो गए जिथे लाए तेरी रहमत ने फेरे, जिथे लाए तेरी रहमत ने फेरे, मां जिथे लाए तेरी रहमत ने फेरे, जिथे लाए तेरी रंग चढ़ गए, रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग होर हो गए रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग होर हो गए जीना तेरे नाम वाली जोत मां जगा ली, जीना तेरे नाम वाली जोत मां जगा ली, ओ जीना तेरे नाम वाली जोत मां जगा ली, वाली जोत मां जगा ली, सच्ची सुची उच्ची ऊना जिंदगी ये पा ली, सच्ची सुची उच्ची ऊना जिंदगी ये पा ली, मां सच्ची सुची उच्ची ऊना जिंदगी ये पा ली, सच्ची सुची ऊना जिंदगी ये पा ली, जीना लाए मां, जीना लाए मां तेरे पवन ते तेरे, जीना लाए तेरे पवन ते मेरे, ओना दे रंग रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, रंग होर हो गए रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग होर हो गए रंग चढ़ गए मां, रंग चढ़ गए तू रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग होर हो गए रंग चढ़ गए जीना ते माई तेरे, ओना दे रंग होर हो गए जीना लाए तेरी जिथे लाए तेरी रहमत ने फेरे, जिथे लाए तेरी रहमत ने फेरे, मां जिथे लाए तेरी रहमत ने फेरे, जिथे लाए तेरी रहमत ने फेरे, ओना दे रंग होर हो गए रंग चढ़ गए, ओ रंग चढ़ गए मां रंग चढ़ गए जीना
से माई तेरे ओना के रंग होर हो गए रंग चढ़ गए नाते माई तेरे ओना के रंग होर हो गए रंग चढ़ गए जी नाते माई तेरे ओना के रंग होर हो गए रंग चढ़ गए जी नाते माई तेरे ओना के रंग होर हो गए 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 जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय तुझे भजन पास्त करें श्री यशपाल जी जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय अखियां न मानियां दा माल ना करे दार मेरी आन रख लखियां नमानियां दमान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दमान रख लै के तू दीदार मेरी आन रख लै दमान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दा मान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दा मान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै हां अखियां नमानियां दा मान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दमान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दमान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै दमान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै ओ अखियां नमानियां दा मान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दमान रख लै देख तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दमान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दमान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दमान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै मुझ ता तुआर मैं ता दर्शन दिलाई तू नहीं आई जान ना पाऊं ते आई दर्शना दिलाई तू नहीं आई जान लवाई उत्ते आई दर्शन दे दे भावे प्राण रख ले देख तू दीदार मेरी आन रख ले हथियां नमानियां दमान रख ले देख तू दीदार मेरी आन रख ले अखियां नमानियां दमान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दा मान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दमान रख लै एक तू दीदार मेरी आन रख लै अखियां नमानियां दमान रख लै
ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੀ ਆਣ ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਨਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੀ ਆਣ ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਨਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੀ ਆਣ ਰੱਖ ਲੈ ਨਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੀ ਆਣ ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਨਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੀ ਆਣ ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਨਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੀ ਆਣ ਰੱਖ ਲੈ ਓ ਅੱਖੀਆਂ ਨਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੀ ਆਣ ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਨਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੀ ਆਣ ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ ਨਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੀ ਆਣ ਰੱਖ ਲੈ ਜੈਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਏ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਏ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਏ ਕਰਦੇ ਦਇਆ ਕੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਏ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਏ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਏ ਜੈ ਜੈ 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 ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੈਸੀ ਉਲਝਣ ਜਬ ਸਰ ਪੇ ਤੇਰਾ ਹਾਥ ਹੈ ਸਰ ਪੇ ਤੇਰਾ ਹਾਥ ਹੈ ਜਬ ਸਰ ਪੇ ਤੇਰਾ ਹਾਥ ਹੈ ਮਾਂ ਕਿਆ ਗਮ ਹੈ ਕੈਸੀ ਉਲਝਣ ਜਬ ਸਰ ਪੇ ਤੇਰਾ ਹਾਥ ਹੈ ਜਬ ਸਰ ਪੇ ਤੇਰਾ ਹਾਥ ਹੈ ਜਬ ਸਰ ਪੇ ਤੇਰਾ ਹਾਥ ਹੈ ਓ ਹਰ ਸੁਖ ਮੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਮੇ ਮਈਆ ਤੂੰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਮਈਆ ਤੂੰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ
मैया तू हमारे साथ है। ओ हर दुख में हर संकट में मैया तू हमारे साथ है। मैया तू हमारे साथ है, मैया तू हमारे साथ है। तू प्यारी माँ और जग तेरा परिवार माता रानी है। तू प्यारी माँ और जग तेरा परिवार माता रानी है। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी है। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी है। एक नजर एक बार माता रानिए कर दे दया की। एक नजर एक बार माता रानिए। एक दो नहीं लाखों जहां आए बनाकर टोलियां, आए बनाकर टोलियां, आए बनाकर टोलियां। एक तो नहीं लाखों जहां आए बनाकर टोलियां, आए बनाकर टोलियां, आए बनाकर टोलियां। अपनी जुबा खोले बिना भर भर गए हैं झोलियां, भर भर गए हैं झोलियां, भर भर गए हैं झोलियां। अपनी जुबा खोले बिना भर भर गए हैं झोलियां, भर भर गए हैं झोलियां, भर भर गए हैं झोलियां। हर सुख मिलता है करके तेरा दीदार माता रानिए, हर सुख मिलता है करके तेरा दीदार माता रानिए, हर सुख मिलता है करके तेरा दीदार माता रानिए, हर सुख मिलता है करके तेरा दीदार माता रानिए। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए, सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानिए। कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानिए, कर दे दया की एक नजर एक बार माता रानिए। जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए। ओ जय जय माता रानिए, जय जय माता रानिए, तेरी दया की बूंद भी ममता का एक सागर बने, ममता का एक सागर बने, ममता का एक सागर बने। तेरी दया की बूंद भी ममता का एक सागर बने, ममता का एक सागर बने, ममता का एक सागर बने। पत्थर कई हीरे हैं माँ कर को छू कर तेरे बने, कर को छू कर तेरे बने, कर को छू कर तेरे बने। पत्थर कई हीरे हैं माँ कर को छू कर तेरे बने, कर को छू कर तेरे गई, कर को छू कर तेरे बने।
सज्जन पे है तेरा बड़ा उपकार माता रानी माता रानी जय जय 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 माता रानी जयकारा शेरों वाली जी का सच्चे दरबार की जय आरोड़ा सिद्धांत धर्म तजगरण दक्षिण चक्षत्र वामे हस्ते दिव्यांध कणकमयं पुस्तकं जानगम्यं साधना भदन्ते सकर्तृजपे शास्त्र विज्ञान शुद्धे क्रीडन्तु दिधिरोपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सच्चियं ज्योतिमाले माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद 2076 उत्तरायण उत्तरगोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास की आज 26 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज पंचमी तिथि ही बृहस्पतिवार तदनुसार 9 मई सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का और भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते वान भव श्रीमान सुहे भव प्रज्ञा भान भव भूर्भुवः कर्णे दान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य दर्पदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यरत
सर्वपकार भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्रणाम दोस्त शरीरवर्चस्व आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शिवमानमहीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभ सत्संवत्सर दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करे वाले सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सही भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करे मैया जय आनंद करे समकन सजन धावत मैया जी को निज दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे महिषा दुर्गा ओम रमलो
माया हूँ कृष्ण
कुछ नहीं लाया पुत्र सारथ रतन पुत्र सारथ रतन जगत में होते पुत्र जगत में होते माता देखे उन्हें न रोते माता देखे उन्हें न रोते वैष्णव पर कल्याण शरण माया पाद शरण माया करो अपराध शरण माया की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, 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 जय प्रार्थना करेंगे समय पर के बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विजो जहि, यशो देहि द्विजो जहि। ॐ ऐं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। बैठे बैठे आरती क्रम देखें सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, कार्य करो हमेश जय मां, आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया दुपहर तो सतगढ़ी जो चरना दागान, जय मां। Thank you.
Hare Murari, Hare Murari, Govinda Gopal Murari.
कम किशोरी जानम प्रदेही शरणम प्रदेही विद्या प्रदेही भगवान नमस्ते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला कर्ण वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्वास जय वाली माता तेरी सदा बुला चुका मात करने वाली माता तेरी सदा उपाद निवास करने वाली माता तेरी सदा लंकड़ा भी ठाव तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में लाभ हो प्राणियों में लाभ हो प्राणियों में लाभ हो विश्व का ज्ञान हो विश्व का ज्ञान हो विश्व का भारतवर्ष 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 हर हर महादेव बोलो बाबा शिवर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शेरा वालिदा नमस्ते 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 नमो नमः